हे यो एगो बात पूछो। हाँ पूछो ना। हाँ लैट्रिन खा के करे छिए लैट्रिन कर के खाए छिए। रुको जरा। ना ना हम लैट्रिन खा के करे छिए ना कर के खाए छिए। रील्स बनाती है वीडियो बनाती है। अच्छा। तो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं बनाते हैं, तो मोबाइल में देखते हैं नहीं तुम ही हो। अच्छा। तो बोलते हैं हाँ ठीक है हम। आप लोग जो है रोते रहते हैं कि वीडियो वायरल नहीं होता है, वीडियो वायरल नहीं होता है। देखो मुंह से मारे वाला दवा देखो। रुको जरा कर ला जेबे की ना ना मुंह का मैं खोछा में लेके लिए। बोला भाई साहब आप वीडियो बनाते हैं, तो बोले कि नहीं। अच्छा। तुरंत मोबाइल निकाला, बोलता है नहीं आप ही है। अच्छा। बोले कि हाँ है। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं DNY न्यूज। इस वक्त मैं सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज में मौजूद हूं और आज आपको एक ऐसे क्रिएटर से मिलाने जा रहा हूं जो हमारे सामने आप देख रहे हैं पति पत्नी है। आज तक हम लोग कई क्रिएटर्स का इंटरव्यू आप लोगों को दिखाए हैं, अधिकतर जो है आप देखे होंगे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और लड़के लड़कियाँ महिलाएँ, यहाँ तक कि जिनको 2 बच्चे है 3 बच्चे भी है, वो भी पति पत्नी मिलकर जो है वीडियो बनाते हैं, फनी वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो, रील्स वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। लेकिन हमारे सामने जो ये पति पत्नी खड़े हैं, ये हर चीज से परिपूर्ण है। इसका एक बहुत बड़ा यूनिक बातें ये है कि ये जो है ना पैसा कमाने के पर्पस से वीडियो नहीं बना रहा है। आज तक जितने भी क्रिएटर्स को आप देखे होंगे, हर कोई पैसा कमाने के व्यू से जो है वीडियो बनाते हैं, सोचते हैं कि बहुत लोग आजकल सोशल मीडिया पर लाखों लाख रुपया कमा रहा है। लेकिन ये दोनों जो है, ये दोनों सिर्फ फेमस होने के लिए वीडियो बनाना शुरू किए थे, क्योंकि ये हर चीज़ से परिपूर्ण है। इनका जो है 10 बीघा खेती भी है, घर द्वार भी सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छा फैमिली से है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए वीडियो बना रहे थे। तो आइए हम सीधे आपको मिलाते हैं। क्या नाम हुआ? रीना कुमारी। आपका सर? संतोष कुमार। तो आप लोग का जो ये वीडियो बनाने का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितना दिन पहले से स्टार्ट हुआ? 8 महीना पहले से बनाते हैं। अच्छा, शादी को कितना साल हो गया लगभग? शादी को तो 13 साल हो गए। बच्चे उच्चे भी हैं? हाँ 3 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। सब हॉस्टल में पढ़ते हैं सब। अच्छा, तो ये वीडियो जब बनाने लगे तो इसके बारे में कौन सजेशन दिया, कैसे आपको ये ख्याल आया कि वीडियो बनाया जाए? सोशल मीडिया पर तो बहुत देखते हैं, बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, रील्स बहुत देखते हैं हम। तो मेरा छोटा भाई भी यही काम कर रहा है कि वीडियो बना रहा है। अच्छा अच्छा। तो उसको देखे ना बनाते, तो हमको भी शौक था कि अच्छा। हम वीडियो बनाए और हम भी पहचान अपना बढ़ाए। अच्छा अच्छा, मतलब पहचान बनाने के लिए ही वीडियो? पहचान बनाने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। अहाँ का कोनो काम धंधा नहीं है? 6 महीना देखे खाली दुकान पर बैठल रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही। ये जो वीडियो बनाने लगे तो क्या स्टार्टिंग में ये अकेले बनाते थे? हाँ 1-2 महीना स्टार्ट में अकेले बनाई थी। तो फिर बाद में आपको कैसे लपेट लिए? ये तो बना रही थी ठीक है, लेकिन आप जो है एकदम, आपको तो हमें नहीं लग रहा है कि खेती बाड़ी इधर उधर काम काज से फुर्सत मिलता होगा, फिर भी कैसे इनको समय देते हैं, सपोर्ट करते हैं? समय निकाल लेते हैं सर। अच्छा। अगर सोच जिस मंजिल का रहता है तो सर समय तो निकालना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो समय निकाल करके बना ही लेते हैं। अच्छा, वीडियो में जब आप आने लगे तो क्या आप इनके बातों से जबरदस्ती मजबूरी में आना पड़ा, या आपको भी इंटरेस्ट था इससे? नहीं, मेरा भी शौक था कि हम भी सोशल मीडिया पे आए। अच्छा। देखिए दोनों आदमी का बस एक ही दिन विचार बना। हाँ। कि चलिए सोशल मीडिया पे पहचान बनाना है। अच्छा। और वीडियो बनाना है, पहचान बनेगा, सब लोग जानेंगे। तो इसी ख्याल से अब ऐसे मान के चलिए देखते हैं कि आजकल तो सोशल मीडिया पे पैदा होते ही सोशल मीडिया पे चढ़ जाता है, एकदम बच्चा बच्चा वीडियो बना रहा है, जन्म के 5 मिनट बाद देखते हैं उसका फोटो जो है सोशल मीडिया पे आ जाता है। तो हम लोग सोचे कि चलो हम लोग भी थोड़ा हंसी हंसाएंगे लोगों को, अच्छा प्यार दुलार मिलेंगे, लोग हंसेंगे, लोग पहचानेंगे जो कौन है। अच्छा, अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं आप लोग, लगातार आपके पास मीडिया वाले भी आ रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, तो क्या शुरुआत में जब आप स्टार्ट किए थे तो सोचे थे कि हम लोग इतना वायरल होंगे? नहीं सोचे थे सर। अच्छा, सबसे पहले जो है कौन सा वीडियो से वायरल हुए थे आप? देखिए वो मैथिली सॉन्ग था एगो सन्नू कुमार का, दूध वाली। अच्छा अच्छा।
इस पे अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद एक फनी कॉमेडी बनाए थे, शॉर्ट कॉमेडी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा, मतलब यानी हमारे मन से बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला, अच्छा खासा रिस्पांस मिला उस पे। उसके बाद रिस्पांस मिलते गए। अच्छा अच्छा, उसके बाद जैसे एक वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद होते गया, सब वीडियो अच्छा चलने लगा जी। अच्छा, एक वीडियो आपका हम देख रहे थे चूहा वाला, वो भी अच्छा वायरल हुआ, मिलियन में गया है जी, 3 मिलियन गया। हाँ, वो वीडियो मतलब कैसे बनाए, कैसे ख्याल आया? देखिए, वैसे मेरे दुकान में चूहा बहुत है। अच्छा, चूहा को देखते देखते मन में ख्याल आ गया, तब तक में एक चूहे वाला हिंदी टाइप में था, तो उसको देखे तो हम लोग बोले कि चलो अपना भाषा में बनाते हैं, क्योंकि लोग हंसेगा, देखेगा तो हंसेंगे, तो इसी ख्याल से हम लोग बनाना चालू कर दिए। तो वो चूहा वाला भी वीडियो देख लीजिए। हे यो, एगो मूस मारे वाला दवा देखू तो घर ला जेबे की? ना ना, मूस का हम खोछा में ला के लिए। वाह, एगो मूस मारे वाला दवा देखू। रुको जरा, घर ला जेबे की? ना ना, मूस का हम खोछा में ला के लिए। देखिए, इसी तरह लगातार जो है, मतलब ये लोग रियल थॉट पे वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे को देखे आ कॉपी करके बना लिया। आजकल बहुत लोग इसी तरह से करता है, दूसरे को देख देख कर जो है ज़्यादातर कॉपी करके बनाता है, लेकिन इन लोगों का जो है ना वीडियो बनाने का कुछ अलग ही अंदाज है। अब बोल रहे हैं कि दुकान में चूहा घुस रहा था, उस पर वीडियो बना दिए, चल गया 3 मिलियन। यही तो कमाल है, यही तो टैलेंट है, इसी को पहचानना है, और यही टैलेंट जो है ये लोग दिखा रहे हैं, अपने अंदाज से वीडियो बना रहे हैं, अपना थॉट देकर वीडियो बना रहे हैं, खुद का क्रिएटिविटी जो है दिखा रहे हैं और लगातार वायरल हो रहे हैं। तो जैसे सर, हम लोग अगर 2-4 आदमी बात करते रहते हैं ना, तो अगर बोलते बोलते उसमें भी हम लोग सोच लेते हैं कि चलो ये बात बोले हैं आप, तो इस पे एक फनी कॉमेडी बनाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। तो अच्छा, आप जो है जब शुरुआत किए थे तो क्या आपको पता था कि सोशल मीडिया से पैसा भी आता है? नहीं, हमको पता नहीं था। नहीं था ना, हमको पता नहीं था कि पैसा भी आता है। अच्छा। हमको पता नहीं था, और नहीं इतना सोच वो नहीं किए थे कि इतना ऊपर हमको पब्लिक प्यार दुलार देंगे और इतना ऊपर हम जाएंगे, हमको पता नहीं था। अच्छा, मतलब इसका मतलब साफ है कि आप लोग सिर्फ फेमस होने के लिए, नेम फेम के लिए वीडियो। हाँ, नेम फेम फेमस होने के लिए। बोलता था कि सोशल मीडिया से पैसा आता था, तो हम लोगों को विश्वास नहीं होता था कि सही में रियली में आता है। अच्छा, लेकिन अब जान गए हैं कि नहीं, रियली में आता है। अब पता चल गया कि पैसा आता है। पैसा आता है। तो देख रहे हैं भाई साहब, आप लोग जो है रोते रहते हैं कि वीडियो वायरल नहीं होता है, वीडियो वायरल नहीं होता है। बहुत जगह से हम लोगों को लगातार फ़ोन आता है, जो लड़का लोग कॉमेडी वीडियो बनाता है, रील्स वीडियो बनाता है, सर आइए थोड़ा वायरल कर दीजिए, वायरल कर दीजिए, आइए थोड़ा इंटरव्यू कर दीजिए। तो कोई ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू और वायरल करने का। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप अगर वीडियो अपने क्रिएटिविटी से बना रहे हैं, अपना जो है आप डायलॉग दे रहे हैं, अपने अंदाज से बना रहे हैं, तो आपका वीडियो पक्का वायरल होगा। और ये जो है दोनों पति पत्नी कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनको पता भी नहीं था कि सोशल मीडिया से पैसा आता है। शुरुआत में ही हम बोले कि ये लोग सिर्फ नेम फेम के लिए वीडियो बनाना शुरू किए, और जब इनका वीडियो लगातार वायरल होने लगा तो इन लोगों को पता भी चला कि हाँ, सोशल मीडिया से पैसा भी आता है। अच्छा, अब तो मालूम हो गया पैसा आता है, तो अब काम जो है और भी ज़्यादा करना है, ज़्यादा मेहनत करना है। हाँ, ज़्यादा मेहनत करेंगे सर। अगर सोशल मीडिया से रुपया आएगा तो समाज में लगाएंगे, समाज से भी करेंगे। अच्छा, कोई ऐसा कार्य होगा समाज में जो उसमें हम मदद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं ऐसा क्रिएटर जो है ना भाई साहब, आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि ये पहले से कर रहा है। वो अभी तो आपका पेमेंट भी नहीं उठा है। नहीं उठा है अभी, मतलब देख सकते हैं पेमेंट भी नहीं आया है, हालांकि बन रहा है, डॉलर अच्छा खासा बन रहा है, लेकिन पहले से कह रहे हैं कि अगर पैसा आएगा तो समाज सेवा में लगाएंगे। बाकी जो भी हम मानते हैं कि बहुत लोग जो है बहुत गरीब फैमिली से लड़के लड़कियां जो है वीडियो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, लेकिन आप बनाइए, मेहनत करिए और अपने दम पर अपने जो है डायलॉग देख के बनाइए, तब वायरल होइएगा। तब आप जो है इस तरह का रोना नहीं रोइएगा कि मेरा वीडियो क्यों नहीं वायरल हो रहा है। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे रीना जी, जब वीडियो बनाना शुरू किए थे तो क्या आपके फैमिली में या आपके अगल बगल के लोग कुछ कमेंट भी कर रहे थे क्या?
नहीं, कोई खराब कमेंट आज तक नहीं किया है, कोई नहीं। देखिए मेरे वीडियो पे गलत कमेंट अभी तक नहीं आया है। अच्छा, हाँ। जहाँ तक कि सब हमें सपोर्ट करते हैं, सब पूरा परिवार के लोग और गांव समाज के लोग भी पूरा सपोर्ट करते हैं। ऐसा आता है, देखते हैं बहुत ऐसे क्रिएटर है जो जिसके मतलब मैसेज में तरह तरह के गलत कमेंट देखते हैं, लेकिन हमारे पास गलत कमेंट नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका एक ही कारण है भैया, क्योंकि अश्लील वीडियो लोग बनाता है, गलत वीडियो, गंदा वीडियो बनाता है, इसीलिए उसी तरह का कमेंट आता है। और ये लोग देख सकते हैं कि ये टैलेंट का ही कमाल है कि साफ सुथरा अच्छा वीडियो बनाते हुए भी वायरल हो रहा है और आगे चल के जो है हमारे सुपौल का भी नाम रोशन करेंगे और पूरा बिहार का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, कहीं पर जाते हैं आप लोग तो लोग पहचान जाते होंगे? हाँ, पहचान जाते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं आप रील्स बनाती है, वीडियो बनाती है। अच्छा। तो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं बनाते हैं, तो मोबाइल में देखते हैं नहीं तुम ही हो। अच्छा। तो बोलते हैं हाँ ठीक है हम ही बनाते। अच्छा हैं। अच्छा, मतलब तुरंत मोबाइल निकाल के चेहरा मिला लेता है तो वहाँ पकड़ा जाते हैं। हाँ, आपको कभी ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत तो हुआ है, कल परसों भी हुआ था। त्रिवेणीगंज में गए थे तो दो चार लड़का था, तो वहाँ रुके हम, तो बोला भाई साहब आप वीडियो बनाते हैं? तो बोले कि नहीं। अच्छा। तुरंत मोबाइल निकाला, बोलता है नहीं आप ही है। अच्छा। तो बोले कि हाँ है, कैसा लगता है मेरा वीडियो? तो बोलता है कि हम खूब हंसते हैं और अच्छा वीडियो है, बनाते रहो, मेरे तरफ से फुल सपोर्ट है। अच्छा अच्छा, तो अब कैसा लगता है, कैसा मतलब सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है, क्या कहिएगा दर्शक को? दर्शक लोग को हम यही कहेंगे कि हमारे तरफ से प्रणाम, और जितना भी दर्शक लोग देख रहे हैं सबको हम प्रणाम करते हैं। ऐसे ही प्यार दुलार बनाते रहिए और हमें खूब सपोर्ट कीजिए और जी। हम आगे चल के कि कुछ नाम करें। अच्छा, क्या नाम है सर आईडी का? आईडी का नाम है, फेसबुक पे है रीना ब्लॉग ब्लॉग, और यूट्यूब पे है रीना ब्लॉग 12, इंस्टाग्राम पे है यादव 1903। अच्छा, ये थे हमारे साथ में पति पत्नी संतोष जी और रीना जी, काफ़ी अच्छा कमाल कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लगातार वायरल हो रहे हैं। और आपको हम इन लोगों का इंटरव्यू दिखाए, वीडियो भी कई दिखाए, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए DNY न्यूज के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। I'm gonna go to the hospital.